सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। देव गुरु बृहस्पति बदलेंगे अपनी चाल, कई राशियों को करेंगे माला माल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देव गुरु बृहस्पति 12 सितंबर 2017 को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं और वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में चल रहे हैं और 12 सितंबर 2017 से देवगुरु बृहस्पति तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ पंचांगों में 11 सितंबर भी राशि परिवर्तन बताई गई है, लेकिन अधिकतम पंचांगों में 12 सितंबर 2017 के दिन देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बताया गया है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र है। शुक्र ग्रह नौ ग्रहों में सौंदर्य का स्वामी होता है और साथ ही साथ वो जो है जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं, संपन्नता, ऐश्वर्य, भोग विलास, लक्ष्मी, सुख शांति, समृद्धि का स्वामी भी शुक्र माना जाता है। तो शुक्र के घर में गुरु का जो गमन हो रहा है वो कई राशियों को माला माल करने जा रहा है, कई राशियों की किस्मत बदलने वाली है, कई राशियों के बिगड़े काम बनने वाले हैं। तो मित्रों आप सबकी राशियों का हाल हम बताएंगे कि देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव होने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरे देखते रहिए, आपकी राशि आपको अवश्य ही इसमें प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। गुरु के कारण आपके पुराने रोग शांत होंगे, पिता की आय में वृद्धि होगी, व्यापारिक संसाधनों में और पार्टनरशिप के क्षेत्र में आपको लाभ का योग बन रहा है, विदेश से लाभ का योग बनेगा, छोटी यात्राएं आपके लिए लाभ प्रसिद्ध होगी, आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। गुरु के राशि परिवर्तन से आपके शत्रुओं का विनाश होगा, धार्मिक यात्राओं पर खर्चे बढ़ेंगे, कैरियर को एक सकारात्मक मोड़ मिलेगा, आर्थिक लाभ पहले से उत्तम होगा, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां आपको आ सकती है। इसके अतिरिक्त धन का संचय भी बेहतर आपके पास हो सकेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए गुरु का गोचर नौकरी में कुछ परिवर्तन का योग बनाने वाला है, कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती है लेकिन उनका हल भी स्वतः निकल जाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पढ़ाई में बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, पार्टनरशिप के कार्यों में आपको अच्छे लाभ का योग बन रहा है, मनोबल आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सभी कामों में अच्छा लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। गुरु के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव दिखाने का अवसर मिलेगा, कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, भाग्य के सहयोग से आपको लाभ होगा, भूमि भवन वाहन का भी लाभ होने का योग बन रहा है, नौकरी पेशा व्यक्तियों को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति का योग बन रहा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपके राशि में जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके कारण दाम्पत्य जीवन में स्नेह और सौहार्द लाएगा, अविवाहित वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं और उनके विवाह के अच्छे योग बनने वाले हैं, व्यापार में भी अच्छी सफलता मिलेगी, नए रिश्ते भी बनेंगे जो आगे चलकर बहुत काम आएंगे, आय और लाभ के क्षेत्र में कुछ बाधाएं जो आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी और रुके हुए सारे काम आपके पूर्ण होने वाले हैं, धार्मिक गतिविधियां आपकी बढ़ने वाली है और आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने के लिए अब तैयार रहेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए इनके परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होने वाला है, अर्थात इनके विवाह का योग बन सकता है, इनके पति या पत्नी का योग बन सकता है या इनके विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति का इनके लिए योग बनने वाला है, कर्ज से लेन देन संभावित है, संचित धन में बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य में कुछ कमी रहेगी, लेकिन भूमि भवन के किराए से अतिरिक्त लाभ होने का योग बन रहा है, क्रय विक्रय से भी लाभ होगा, पुराने संबंध यदि टूट चुके हैं तो उनको भी जुड़ने के योग बनेंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की।
आपकी राशि पर गुरु की विशेष कृपा होगी, क्योंकि आपकी राशि में ही देव गुरु बृहस्पति का प्रवेश हो रहा है। वैवाहिक जीवन में सुख में बढ़ोतरी होगी, सकारात्मक कार्य आपके बनने लगेंगे, भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, व्यापार और साझेदारी क्षेत्रों से भी उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, रोगियों की सेहत में सुधार होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, शैक्षिक कार्यों में आपको जो है सफलता मिलेगी, योग्यता अनुसार आपको पद प्राप्ति का भी अच्छा योग बनने वाला है, प्रेम संबंधी जो मामले हैं उनमें भी आपको सुधार का योग बनेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। गुरु के कारण आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत है तो आपको वीजा मिल सकता है, आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार के लिए विदेश जा सकते हैं और उससे धन लाभ हो सकता है। प्रेमियों की भावनाएं कुछ आहत हो सकती है, खर्च आपके बढ़ने वाले हैं, धार्मिक यात्रा के संयोग बनेंगे, धन का लाभ अच्छा होगा, संतान सुख में थोड़ी कमी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, व्यापारिक और साझेदारी कार्यों में कुछ बाधाएं आएगी, परंतु विदेश से अच्छा लाभ आपको होने का अच्छा योग बनने वाला है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। गुरु आपके आय भाव पर रहेंगे, यह आपकी आय में सुधार कराएगा, लाभ के नए साधन आपके बनने वाले हैं, मित्रों से रिश्ते मजबूत होंगे, व्यावसायिक यात्रा आपको लाभ देने वाली होगी, प्रेम संबंधों का तनाव दूर होगा, छात्र वर्ग को अध्ययन कार्यों में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, अविवाहितों का दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होगा, गृहस्थ जीवन में सुख और आनंद के योग बनेंगे, नौकरी पेशा व्यक्तियों को और आर्थिक क्षेत्रों में समय लाभकारी बना हुआ है और आगे भी ज्यादा लाभ देने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को रोजगार पद प्रतिष्ठा का अच्छा योग बन रहा है, धन संचय में बढ़ोतरी होने वाली है, यात्राओं की अधिकता उनके लिए हो सकती है, पारिवारिक विवादों का समाधान निकलेगा, पैतृक धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, चिकित्सा कार्यों पर व्यय होगा, नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी योग्यता और अनुभव का लाभ मिलेगा, विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कानूनी विवादों में समाधान होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए गुरु की गोचर अवधि आर्थिक क्षेत्रों में पर्याप्त लाभ देने का योग बना रही है और जो भी आपके आर्थिक कार्य चल रहे हैं उनमें लाभ का योग बनेगा। यह समय छात्रों के लिए अत्यंत सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा, इन छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा, इसके साथ ही धर्म और ज्ञान से जुड़े लोगों को भी समय की शुभता का लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है और आप सभी क्षेत्रों में सफल होंगे, अपनी योग्यता दिखाने का पूरा पूरा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे, इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती है, कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के कारण दिक्कतें आ सकती है, कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित घटनाएं आपको धन लाभ देने का अच्छा योग बनाएगी, भूमि भवन से जुड़ी योजनाओं में व्यर्थ की बाधाएं आपकी चिंता बढ़ा सकती है, धन के लेन देन में आपको व्यवहारिकता बनाए रखना होगा, शीघ्रता से बचना होगा, जल्दबाजी में कोई भी काम आप न करें अन्यथा हानि का भी योग बन सकेगा, आप जो भी काम करें उसे सोच समझ करके करें और यदि आप शेयर बाजार लॉटरी या सट्टा या इस तरह के जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं तो उनसे भी आप बच करके रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, तो आपके लिए थोड़ा संभल करके चलने का यह समय रहेगा। तो मित्रों, हमने 12 राशियों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा ये आपको विस्तार से हमने बताया है और यह जो राशिफल है यह समय है लगातार 13 महीने तक रहेगा और इन 13 महीनों में इस प्रकार का फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि गुरु एक राशि के ऊपर लगातार 13 महीने रहता है। तो 12 तारीख से लेकर के अगले साल 2018 की 12 अक्टूबर 2018 तक देव गुरु बृहस्पति तुला राशि में विचरण करेंगे और तुला राशि में आने के कारण हमने जो राशियां बताई हैं उनको इस प्रकार लाभ मिल सकेगा और इसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप प्रत्येक गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल खिलाएं और उसी दिन आपको पीले कपड़े में चने की दाल, पीले पुष्प, हल्दी,
पीली मिठाई, पीले फल रख करके ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए और प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के पेड़ का आपको पूजन करना चाहिए और देव गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मित्रों, हमने जो जानकारी दी, यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सादर जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।